नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचर और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं अभी कुछ बड़ी खबरों पर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत पर निशाना साधा, कहा कि सरकार की विफलताएं बताने पर पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। 3 महिला SI की जमानत याचिका खारिज, बेटी की तबीयत खराब होने पर चंचल विश्नोई को मिली थी राहत, उसके बाद लगाई थी अर्जी। भोशाला का सर्वे करने पहुंची SI की टीम, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी पहुंचे, पर्यटकों के प्रवेश पर रोक। अन्ना हजारे बोले, केजरीवाल के हाल पर दुख नहीं होता, गिरफ्तारी उनके कर्मों का नतीजा, शराब पर नीति बनाने से मैंने रोका था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व गृह मंत्री, कहा सही मायनों में अब प्रजातंत्र जीवित हुआ, कांग्रेस ने बिना दलील अपील लोगों को अंदर किया था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आपने बोला शराब घोटाले का पैसा भाजपा को मिला, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ने 50 करोड़ दिए। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की बैलेंस शीट, देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, 22 कंपनियों ने ही 50% चंदा दिया। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में BJP कैंडिडेट नहीं उतारेगी, 5 राज्यों पर रीजनल पार्टियों को समर्थन देगी, लक्षद्वीप में NCP अजीत गुट को समर्थन। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर पर CBI का छापा, लोकपाल के आदेश के बाद केस फॉर क्वेरी में एक्शन, इसी मामले में गई थी सांसदी। एयर इंडिया पर DGCA ने 80 लाख का जुर्माना लगाया, एयरलाइन ने क्रू को पर्याप्त आराम नहीं दिया, ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से मार्क किए। शिक्षा भर्ती घोटाला, TMC मंत्री के घर पर ED का छापा, हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मॉस्को में आतंकी हमला, 60 की मौत, मिलिट्री ड्रेस पहने 5 आतंकी कॉन्सर्ट हॉल में घुसे, फायरिंग कर बम फेंक, इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ली। मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रधानमंत्री बोले इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता। इस्लामिक स्टेट ने ली मॉस्को हमले की जिम्मेदारी, 5 आतंकियों की फायरिंग में 40 की मौत। भारतीय मछुआरों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन, 7 मछुआरों से भरी बोट डूबी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी के एक नाविक की मौत। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी को घेरा, सोशल मीडिया पर लिखा CM की गिरफ्तारी असंवैधानिक, ED CBI IT का दिन रात दबाव। जापान में RRR पर म्यूजिकल प्ले का आयोजन, 110 साल पुरानी थिएटर कंपनी ने किया अडेप्ट, शो देखने पहुंचे डायरेक्टर राजा मौली ने जताया आभार। कैटरीना कैफ को विकी कौशल लगे थे खड़ूस, उन्होंने विकी को सबसे अनरोमांटिक गिफ्ट देने वाला व्यक्ति भी कहा था। 16 साल की मेहनत अब रंग लाई, पृथ्वीराज सुकुमारन बोले ब्लेसी ने 2009 में फिल्म की कहानी सुनाई, सच्ची घटना पर आधारित है द गॉड लाइफ। मथुरा से योगी चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, सपा ने विधानसभा उपचुनाव में 3 प्रत्याशी उतारे, प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन भी करवा सकेंगे। अल्विश की जमानत पर बाहर आने की सबसे बड़ी वजह, NDPS हटते ही केस हुआ कमजोर, 7 साल से कम सजा का प्रावधान होने पर मिली बेल।